पूरा किलो गिर दोनों तरफ से। तो आपको ना तोड़ के दिखाते हैं कितनी नरम बनी है और सॉफ्ट, ये बिल्कुल फूली हुई है रोटी है। देखिए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान रेसिपी एंड विलॉग। आज हम आपको बताएंगे गोल रोटी बनाने का तरीका, और स्पेशल उन लड़कियों के लिए जिन्हें गोल रोटी नहीं बनानी आती और उन्हें बहुत मुश्किल होती है रोटी बनाने के वक्त, उनसे रोटी सही बनती नहीं है। तो हम आपको टिप बताते हैं रोटी बनाने का तरीका, किस तरह गोल रोटी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास आटा है, अब हम आप ना एक पेड़ा लेते हैं दरमियाना साइज में, ना ज़्यादा बड़ा हो ना कम हो, जिससे हमारी रोटी सही बन जाए। हमने एक पेड़ा लिया और पेड़े को हमने इस तरह से नीचे वाला हाथ को हमने घुमाना है, ऊपर वाला हमारे हाथ में पेड़ा होगा और उसको नहीं हमने घुमाना इस तरह से। देखिए कितना प्यारा पेड़ा बन गया, रेडी हुआ हमारा पेड़ा। अब हम इसको रोटी बेलने लगे हैं। ये हमारे पास बेलन है, इस शेप में हम रोटी को बेलेंगे। ये वाला हमारा हाथ इस तरफ होगा, ये घूमेगी रोटी। थोड़ा सा हम खुशका लगा लेते हैं। हल्के हाथों से हमने इसको बेलना, दबा के हम बेलेंगे तो हमारी रोटी साथ चिपक जाएगी। रोटी को हमने बेल दी, जितना बड़ा हमने रखना था रख लिया, बाकी हम हाथ की मदद से करेंगे। जहां से आपको लगे कि हमारी रोटी गोल नहीं, इसको हम हाथ की मदद से शेप दे देंगे। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। अब चिमटी की मदद से हम रोटी को ना दूसरी साइड पर रखते हैं, एक साइड मार फिक गई है। नीचे से हमारी रोटी हल्की हल्की पक गई है इसके ना नीचे से, ये देखें निशान। अब हम इसको पलटते हैं और इसको हम आपके ऊपर सीखते हैं, उस तरह तेज आ गए हमारी नीचे। ये देखो फूलना शुरू हो गई रोटी, रोटी हमारी फूल रही है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसकी दूसरी साइड सेकेंगे, हमारे दोनों तरफ से रोटी सेक गई, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, नरम और फूली हुई रोटी। अब हम इसको उतारते हैं, ये देखिए हमारी रोटी फूली हुई अंदर से अच्छी तरह, ये सारा ही इसका जो है ना, ये देखिए नरम रोटी की निशानी होती है कि वो रोटी अच्छी तरह से फूली होती है, क्योंकि दोनों तरफ से खूबसूरत लग रही है। बहुत ही आसान है गोल रोटी बनाने का तरीका। ये देखिए हमारी रोटी, हम आपको ना तोड़ के दिखाते हैं कितनी नरम बनी है और सॉफ्ट, ये बिल्कुल फूली हुई है रोटी, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।